स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। बच्चों, आपने बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म्स को पढ़ा है, स्टडी किया है। आपने पढ़ा होगा जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस की, वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। जी हाँ, एक ऐसी बिजनेस की फॉर्म जिसमें एक सिंगल पर्सन होता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है, वही उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और वही उसकी लाभ या हानि के लिए, उसके पूरे ऑपरेशन के लिए वही जिम्मेवार होता है और अंत में उसे लाभ या हानि जो कुछ भी प्राप्त होता है उस अकेले को ही प्राप्त होता है। वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके लिमिटेशंस ये हैं कि उसमें एक व्यक्ति अपने पास जितनी भी कैपिटल है उसे ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर मोर कैपिटल की ज़रूरत है या मोर एक्सटेंशन की ज़रूरत है बिजनेस को और हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है उसे फिर किसी और व्यक्ति के साथ की ज़रूरत होती है, जिसके पास एक्सटेंशन के लिए पैसा हो या एक्सटेंशन करने के लिए उसे नॉलेज हो या फिर और किसी प्रकार से सहयोग की उसकी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो सोचता है पार्टनरशिप के बारे में। जी हाँ, जब सोल प्रोप्राइटर से हम किसी बड़े स्वरूप की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने जो रूप आता है वो आता है नेक्स्ट, उसके है पार्टनरशिप। क्या है पार्टनरशिप, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप हमारा चैप्टर नंबर 1 है, पार्टनरशिप फंडामेंटल। जी हाँ, पार्टनरशिप की कुछ आधारभूत बातें हैं, कुछ आधारभूत प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ आधारभूत नॉर्म्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले आज मैं आपको मीनिंग और इसके फीचर्स जो है जो जरूरी हैं पार्टनरशिप में, वो बताऊँगा। क्या है पार्टनरशिप, आप जानते हैं कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसकी सेक्शन 4 क्या कहती है, वो कहती है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच में रिलेशन पैदा करता है। पार्टनरशिप कुछ पर्सन्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो किसी संस्था में होने वाले प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार है। वो संस्था कैरिड ऑन बाय ऑल, उनमें वो सब मिलकर चला सकते हैं संस्था, या एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उस चीज़ को चला सकता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में ऐसा संबंध है जो किसी एक बिजनेस को रन करेंगे, उसके अंदर होने वाले प्रॉफिट को किसी न किसी शेयर में बांटेंगे, अर्थात वो सब पार्टनर मिलकर भी पार्टनरशिप चला सकते हैं, या उनमें से किसी एक को मुखिया बनाया जा सकता है, मेन पार्टनर बनाया जा सकता है, जो मिलकर पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है। अब पार्टनरशिप फर्म्स के मेन फीचर क्या हैं, इसी से डेफिनेशन से हमें उसके मेन फीचर्स का पता चल जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सबसे पहले टू और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सोल पार्टनरशिप में काम आता है, वो किसी पार्टनरशिप का निर्माण नहीं करता है। एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप को बॉन ही नहीं कर सकता, वो उसको जन्म ही नहीं दे सकता, वो उसको कह ही नहीं सकता कि वहाँ पार्टनरशिप है। दूसरी बात, एग्रीमेंट। जी हाँ, एग्रीमेंट का मेरा मतलब यह है पार्टनर्स के अमंग में कोई ना कोई समझौता होना चाहिए, इस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं, इस तरह का हमारा प्रॉफिट होगा तो उसको शेयरिंग में इस तरह से हम बांटेंगे, तो किसी न किसी प्रकार का इतनी कैपिटल मैं लगाऊंगा, इतना का कैपिटल दूसरा कोई पार्टनर लगाएगा। तो कहने का मतलब है अमंग पार्टनर्स कोई एक एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए, जिसके थ्रू पार्टनरशिप का बेस बने। जी हाँ, इसी को बाद में चल के कहते हैं एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जी हाँ, इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं और डीड के अनुसार ही पार्टनरशिप को रन किया जाता है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, किस तरह नया पार्टनर का एडमिशन होगा, कहाँ कैसे बैंक अकाउंट्स खुलेंगे, क्या ड्राइंग का पैटर्न रहेगा, क्या किसी नए फर्म के एडमिशन, किसी नए पार्टनर के एडमिशन का तरीका होगा, कैसे कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं वो सारी एग्रीमेंट में डिस्कस कर ली जाती हैं। एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस से ही पार्टनरशिप फर्म बनती है। जी हाँ, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फर्म्स का बेस नहीं रहता। तीसरा जो फीचर है इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म्स का, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड मोटिव इज टू बी अर्न प्रॉफिट। पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए, कोई ना कोई व्यवसाय जरूर हो, उस बिजनेस के अंदर उद्देश्य भी होना चाहिए प्रॉफिट कमाने का। अगर चार दोस्त आपस में मिलते हैं और वो उद्देश्य लीगल होना चाहिए, चार दोस्त आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि चलो चोरी करेंगे या किसी धर्मार्थ कार्य के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वो पार्टनरशिप कदापि
नहीं होगा। चोरी करना इलीगल वर्क है, पार्टनरशिप वहाँ स्थापित नहीं हो सकती। चैरिटेबल हाँ हॉस्पिटल में, चैरिटेबल संस्था में काम करना जहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वहाँ भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। जी हाँ, पार्टनरशिप के लिए किसी एक बिजनेस का, लीगल बिजनेस का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ उस बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ फीचर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर मान लीजिए तीन पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, ये तीनों लाभ हानि को बांटते हुए होने चाहिए। अगर ये लाभ हानि बराबर बांटते हैं तो 1:1:1 कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ए का शेयर ज़्यादा है, मान लो वो 3 times लेता है, बी 2 times लेता है प्रॉफिट का, और सी को सिंगल मिलता है, तो 3:2:1 अर्थात कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए जिसमें वो लाभ या हानि दोनों में किसी एक को डिवाइड कर सके, बांट सके और पार्टनरशिप का एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। पांचवी जो विशेषता है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप और उसके पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप में अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अर्थात इससे अलग नहीं है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पार्टनर मिलकर करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर से अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सिक्स्थ, बिजनेस कैन ओन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसे सब मिलके भी चला सकते हैं या उन सब में से किसी एक को जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, कोई एक व्यक्ति भी इन सब की तरफ से पार्टनरशिप फर्म को चलाने वाला होना चाहिए। मिलके भी चला सकते हैं, बिजनेस सभी भी कंडक्ट कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक व्यक्ति जिसे ज़्यादा नॉलेज है वो अकेला भी इस बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। सेवन्थ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लास्ट है, कि उसमें पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध रहता है। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप पार्टनरशिप में पाया जाता है। एजेंट कैसे, अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टनर कोई एक काम करता है तो बाकी सारे पार्टनर जो हैं उसके काम के प्रति, बाहर वालों के प्रति, बाहर वालों से जो उसने कॉन्टैक्ट करे हैं, तो बाकी सारे जो पार्टनर हैं वो बाहर वालों के साथ किए गए कॉन्टैक्ट के लिए बाउंड हो जाते हैं। और प्रिंसिपल का मतलब है कि हर पार्टनर अपने आप में मुख्य है, अर्थात प्रिंसिपल का और जो एजेंट का रिलेशन जो है पार्टनरशिप में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बच्चों करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड।